सबसे पहले गूगल पे जाता हूं मैं और यहां पे टाइप करता हूं एक्सटीरियर विथ फ्लोर प्लान। तो मुझे यहाँ पे कुछ सारी इमेजेस मिलेंगी जिसमें हमें एक एक्सटीरियर व्यू दिखेगा, साथ साथ उसका फ्लोर प्लान भी हमें दिखेगा कि कैसा बन के आने वाला है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक हम लोग एक्सटीरियर उठाएं और जिसके फ्लोर प्लान दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे इस पे जा रहा हूँ, साइट पे जाके हम लोग कोई भी एक चूज करेंगे और जो हमें थोड़ा सा देखने में सही दिखे। ज्यादातर जो मॉडल्स होंगे वो आपके पिंटरेस्ट पे ही हैं, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये मॉडल है आपका, इसकी साइट पे मैं ओरिजिनली जाके देखता हूँ। ठीक, ये एक आपका हो गया, ये भी आपका। ठीक है ना, इसी मॉडल को उठाते हैं हम लोग। ठीक, तो इस मॉडल की हमें इमेजेस चाहिए, कुछ लुक जिससे आइडिया मिले कैसा बनेगा, और फिर प्लान से हमें आधा आइडिया तो पता चलेगा ही। ठीक, चलिए देखिए, उसके लिए मैं सभी इमेजेस को ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ ताकि मैं इसको डाउनलोड कर सकूँ। एक इमेज ये हो गई आपकी, एक इमेज ये हो गई आपकी प्लान की, दूसरी इमेज आपकी ये हो गई। और जल्दी से ट्रेस कराते हैं। अब ट्रेस का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग को कुछ ना कुछ उसने डायमेंशन दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे प्लान को ट्रेस करने के बाद स्केल करेंगे। अगर आपको नहीं पता ये बात ऑटोकैड में, तो ये देखे बस इसको फॉलो करिए, वो चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। और अपने इस पे आते हैं और अपने प्लान को इंपोर्ट कराते हैं। प्लान को इंपोर्ट कराने के लिए कई प्रोसेस हैं। हम लोग सबसे पहले एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, दूसरा हम लोग इंसर्ट पे जाके अटैच करा देता हूँ। मैं अटैच करा रहा हूँ ताकि इसको डीटैच भी हम करा सकें। हम लोग अपने फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे प्लान आपके लोकेट है, मेन लेवल को लेते हैं, ओपन करते हैं और क्लिक करके इंपोर्ट करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फिर अटैच पे आते हैं, सेकंड लेवल, ओके, और इसको भी ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज हम लोग क्या करना है कि इसी को ट्रेसिंग करानी, तो ट्रेस कराने के लिए देखिए अभी मैं अगर कुछ लाइन वगैरह से खींचूंगा तो कुछ विजिबल नहीं होगा, तो हमें करना क्या है कि पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, तो हम इसे फेड कर देंगे। ठीक है, फेड करने से थोड़ा सा फेड हो जाएगा, साथ में कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी इसको सही से कर दें, ब्राइटनेस, ताकि आप इसको अच्छे से ट्रेसिंग कर पाए जितने भी आपको करना है। ठीक है, सेम मैनर में इसको भी सेलेक्ट करें और इसमें भी सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले लाइन पे जाते हैं, ऑर्थो मोड ऑन करते हैं, बस इसको ट्रेसिंग स्टार्ट करिए। यूनिट से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, जब पूरा बन जाएगा तब हम लोग इसको यूनिट देंगे। ये 15x15 ये ऑल प्लान फिट इंच में है, बिकॉज 19 मीटर तो नहीं हो सकता, 935 मीटर सेंटीमीटर, तो फिट इंच में आपका पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग ऑर्थो मोड से बस इसको ट्रेस कर रहे हैं मैनुअली। इतनी वॉल है वो बस आप पहले बाउंड्री बाउंड्री बना लीजिए। ठीक है, ये प्लान तो आपका ट्रेस हो गया। अब हम लोग इस प्लान पे आते हैं और ये आपका टॉप व्यू है, मतलब सेकंड फ्लोर प्लान है। ये ग्राउंड लेवल का था और ये फ्रंट। ठीक है, इसको भी हम लोग जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने दोनों प्लान अपने ट्रेस कर लिए। अगला स्टेप क्या है कि बस थोड़े से हम लोग को यहाँ पे डोर प्लेस करने हैं ताकि फ्यूचर में डोर कहाँ लगे हमें पता हो, बस इतनी चीज करनी। ठीक है, डोर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोकैड पे पता होगा। अगर नहीं पता तो यहाँ व्यू के अंदर टूल पैलेट एक मिलता है, इस टूल पैलेट के अंदर दुनिया भर के डोर वगैरह बने बनाए होते हैं, आपको केवल यही ड्रैग एंड ड्रॉप करके उठा के रखना है। ठीक, अभी जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहा हूँ, ये डोर इतना बड़ा है बिकॉज प्लान आपका अप टू स्केल है ही नहीं। तो पहली चीज हम लोग क्या करते हैं,
इस पूरे प्लान को अप टू स्केल करते हैं। वो कैसे करेंगे, तो देखिए वो करने के लिए आप इस पूरे प्लान को सेलेक्ट करें, एस सी एंटर दबाएं, स्केल कमांड, कहीं भी बेस पॉइंट दे दें। बेस पॉइंट देने के बाद अभी ये फैक्टर मांगेगा कितना स्केल करना है। हम लोग फैक्टर स्केल नहीं करेंगे, हम लोग रेफरेंस स्केल करेंगे, ठीक है। उससे पहले जरा ये देख लें, यूनिट आपकी वही होनी चाहिए जो प्लान की यूनिट है। तो यूनिट आपका आर्किटेक्चर इंचेस है, वही आपकी इसकी भी होनी चाहिए। सेलेक्ट कर लीजिए एस सी एंटर, पहला बेस पॉइंट कहीं भी क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने का रेफरेंस पे जाइए और रेफरेंस में जरा जूम करके देखिए, आपको एक डायमेंशन कोई भी उठा लेना है। मैं इसको उठा रहा हूँ, मुझे यहाँ से या कोई भी एक ऐसा उठा ले जो आपको लग रहा है कि जनरल आ सकता है, ठीक। जैसे ये इसका डायमेंशन 12x20 फिट है, तो जाहिर सी बात है ये 20 फिट होगा या 12 होगा। तो मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ इसको और इसको, क्लिक करिए और यहां पे लिख दीजिए 12 फिट। ऐसे करने से आपका पूरा प्लान जो स्केल हो गया वो एक यूनिफॉर्म साइज का हो गया। अगर आपको चेक करना है, वी कैन चेक इट ऑल्सो, डी एंटर करके हम लोग पहले इसका जो स्टैंडर्ड है वो मॉडिफाई पे जाके हम लोग चेंज कर देंगे कि वो फिट इंच में दिखाए प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चर की बजाय। ओके, सेट करेंट करके क्लोज कर देंगे। अब आपको ये चीज चेक करनी है क्या है 15 और वो आ रहा है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है इट विल बी 10 फिट 11 बाय उत्ते हो रहा है, मतलब वो उससे आगे निकल रहा है, इसलिए 11 फिट आपका आ चुका है। ये 15 फिट अप्रॉक्स आना चाहिए, अप्रॉक्स इस वजह से क्योंकि बिकॉज हमने वो ट्रेसिंग की है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 15 फिट के आसपास देखिए आ रहा है, 14 फिट 11 बाय इतना। इसका मतलब ये जो प्लान है अब टू स्केल हो चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जहां जहां डोर है आप व्यू पे जाइए, टूल पैलेट में जाइए और ये जो डोर इंपीरियल मतलब फिट इंच, मेट्रिक मतलब मीटर सेंटीमीटर, तो हम इंपीरियल का डोर उठा के जहां जहां डोर लगाना है वहां प्लेस कर देंगे। तो हमें जैसे डोर लगाना है कि यहां पे हम लोग डोर उठाते हैं और यहां पे ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस वन। लेकिन डोर तो पूरा खुला था, तो आप इस पे क्लिक करिए, इस बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे ओपन 90 डिग्री कर दीजिए। ये डोर आपका आ चुका है, आपको केवल एक सिंबल चाहिए था, डोर इधर नहीं इधर चाहिए, तो इस बटन पे क्लिक करिए, डोर इधर हो जाएगा। फाइनली डोर आपका आ चुका है जितना बड़ा चाहिए था, आप इस डोर को प्लेस कर दीजिए। ये काम आपको हर जगह करना है जहां जहां डोर प्लेस करना है। डोर को छोटा करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको उतना छोटा कर सकते हैं जितना आप चाह रहे हैं। जैसे मैं इतना छोटा कर दे रहा हूँ जितना मुझे डोर पे चाहिए था, थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी। परफेक्ट साइज का डोर आ गया। इस तरीके से आपको सारे के सारे डोर प्लेस करने, नेम भी मेंशन कर दीजिएगा, बिकॉज आगे चल के हमें पता होना चाहिए हम किस चीज की डिजाइन कर रहे हैं। इलिंग स्टार्ट